गाइस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा दो स्टेप तो हो गए हैं, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप वो है जिससे जो ब्रेक जाम हो जाता है ना बारिश में ज्यादातर, अभी जैसे ब्रेक पीछे का जाम हो जाता है, जैसे हम मारते हैं तो लग ही जाता है, लॉक हो जाता है, वो नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक में कहाँ और कैसे ऑयल डालना है, ठीक है? तो चलिए आइए हम देखते हैं। सो गाइज ये जो देख रहे हैं आप बारिश में, इसमें पानी चला जाता है तो क्या होता है ब्रेक जाम होने लगता है। तो गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑयल ऐसे डालेंगे, ऐसे सीधे नहीं डाल देना है हमें, हमें क्या करना है ब्रेक को पुश करते करते यहाँ पर ऑयल डालना है, यही सही तरीका है ताकि ऑयल अंदर तक पहुँचे, ठीक है? मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये इसे हम ऐसे पकड़ लेंगे, ये ब्रेक ऐसे मारते मारते इसमें ऐसे ऑयल डालेंगे, ठीक है? ब्रेक को थोड़ा थोड़ा पुश करते करते ऑयल डालना है ताकि अच्छे से ऑयल अंदर तक जा सके और लुब्रिकेंट हो जाए, उसके बाद ये आपको कोई इश्यू नहीं करेगा। ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल नहीं डालना है गाइस, थोड़ा सा डालना है जितना अंदर चले जाए बस, बाकी जब लीक करना शुरू हो तो बंद कर देना। तो जैसे अभी लीक करना शुरू हो रहा था मैंने बंद कर दिया। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या है। गाइस जैसे कि तीन स्टेप हो गए हैं, अभी मैं दो मेजर स्टेप दिखाऊंगा, है छोटे से लेकिन पिकअप में इसमें बहुत जरूरी मतलब फायदा होगा उसका। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है यार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं तब से काम ही कर रहा हूँ मैं। तो चलिए हम देखते हैं अभी फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप भी लुब्रिकेशन से ही रिलेटेड है। तो गाइस कैसे होता है, जैसे हम सर्विसिंग कराते हैं तो यहाँ पर ऑयल डालते हैं गाइस, अभी देखो यहाँ पर कैसे हो गया है, मतलब वैसे तो मुझे दो तीन महीने हुए मैं यहाँ पर ऑयल नहीं डाला, देखो गाइस क्या हाल हो चुका है इसका। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम क्लच छोड़ते हैं पकड़ते हैं तो लुब्रिकेशन नहीं होता है तो फ्रिक्शन में जाता है, मतलब उस वजह से भी बाइक पिकअप नहीं दे पाती है। तो हम थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर डालेंगे, देखिए गाइस अभी कैसे लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल यहाँ डालेंगे, वही तरीका है गाइस ब्रेक जैसे, यहाँ पर ऑयल डालते समय इसे थोड़ा पुश करेंगे हम ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब गाइस जैसे कि हमने यहाँ पर ऑयल डाला, अब थोड़ा सा ऑयल इस वायर के वायर में डालने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। फिर गाइस फोर्थ स्टेप में यही है कि सामने के ब्रेक में भी हम वैसे ऑयल डालेंगे, पहले यहाँ पर फिर मैं नीचे किधर डालना है दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर ऐसे ऑयल डालने के बाद ये लुब्रिकेंट हो जाएगा। अब हम नीचे देखते हैं, गाइस यहाँ ऑयल डालने की भी वही प्रोसेस है, पुश करते करते हम यहाँ दो दो जगह ऑयल डालना है हमें, एक तो ऊपर फिर उसके बाद डालेंगे यहाँ नीचे। अब हम ऐसे पुश करने पे ये अपने आप लुब्रिकेंट हो जाएगा। सो गाइस अब हम देखते हैं लास्ट एंड द फाइनल स्टेप। गाइज अब हम साफ करेंगे फिल्टर, मैं आपको फिल्टर साफ करने का सही तरीका बताऊंगा और एक जो आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए वो भी बोलूंगा। गाइज सबसे पहली गलती ये, जो सारे बंदे होते हैं अपने भाई होते हैं, फिल्टर की जगह पर कुछ भी जो बाइक साफ करने का जो कपड़ा उपड़ा होता है वो रख देते हैं, उस वजह से गाइज बाइक को एयर जाने में दिक्कत आती है। या ऐसा बिल्कुल ना करना, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये किया हूँ, मतलब इसमें रखा था मैंने ऐसे दिखाने के लिए, सिर्फ ये ऐसे गलती बिल्कुल ना करना के कोई भी कपड़ा यहाँ पर फिल्टर के पास रख ले। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस फिल्टर साफ करने का तरीका, पहले हम इसे खोल लेते हैं। गाइस एक दूसरी बात, फिल्टर बहुत जो बंदे होते हैं अपने फिल्टर को धो देते हैं, ठीक है, वाटर से। तो गाइस जब पानी से जो फिल्टर धोते हैं ना तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मैंने भी करके देखा था, वो वेस्ट है एकदम। कभी भी फिल्टर को धोना नहीं है हमें। आप क्या करना, इसे खोलने के बाद पहले दिखा दूँ आपको, धोना एकदम गलत है गाइस, क्योंकि इसके अंदर पेपर आता है, जो पेपर जब पानी में हम डालते हैं तो उसका हाल क्या होता है, वैसे ही हाल हो जाएगा इसका भी। गाइस इसे निकालने के बाद आप पहले तो अच्छे तरीके से झटक लें नीचे ऐसे, जब आप ऐसे झटकेंगे गाइस तो इसमें से धूल निकल के बाहर आ जाएगी, सारा डस्ट आ जाएगा। और अगर आपके पास हेयर ड्रायर हो या ब्लोअर हो
तो आप इसमें मार सकते हैं, ठीक है। इसे ऐसे करने के बाद हम तो ये बॉक्स राइज मैंने पहले ही साफ किया था कुछ दिनों पहले, इसलिए मेरा साफ लग रहा है। इसे आप साफ कर लें अच्छे। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, लाइक करना, शेयर करना गाइस, जिसके पास बुलेट है अपने भाइयों को बता देना, और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, बी सेफ, राइड सेफ, टेक केयर।